नमस्कार। यारे भी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। आइए अब बात करते हैं माँ शक्ति की, जो 51 शक्तिपीठों के बारे में। जो 51 शक्तिपीठ भारत की प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में माना जाता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। हिंदू धर्म के पुराण के अनुसार जहां जहां माता शक्ति की शरीर की अंग धारण किए गए वस्त्र या आभूषण माँ सती जी की गिरे थे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आया है। उसी शक्तिपीठ को पूरे भारत की और भारत के बाहर में उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठियां वर्णन है। देवी भगवत में जहां 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों की वर्णन मिलता है, वहीं नत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में परंतु 51 शक्तिपीठियां के बारे में चर्चा हो गई है। इन 51 शक्तिपीठियों में से कुछ विदेश में भी है। वर्तमान में भारत में 42 शक्तिपीठ है, पाकिस्तान में 1 शक्तिपीठ है, बांग्लादेश में 4 शक्तिपीठ है, श्रीलंका में 1 है, तिब्बत में 1 है तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ। ऐसे 51 शक्तिपीठियां जो माता सती जी की शरीर की अंग प्रत्यंग वस्त्र आभूषण जो पड़ा था, उसी महान स्थल पे हमारा शक्तिपीठ के रूप में मंदिर मालिनी होके सुशोभित है। आइए हम उसी के बारे में आज बताते हैं। 1 नंबर में हिंगलाज, यहाँ माता की ब्रह्मरंध मतलब सिर गिरा था। द्वितीय में सरकरा रहे, पाकिस्तान की कराची के पास ये शक्तिपीठ स्थित है, यहाँ माता का आंख गिरा था। सुगंधा बांग्लादेश की शिकारपुर के पास दूर सोदो नदी के किनारे में स्थित है, जहाँ माता जी की नासिक गिरा। महामाया भारत की कश्मीर में पहलगांव का निकट माता का मंदिर है, वहाँ पे माता का कंठ गिरा था। देखिए माता का जहाँ जहाँ शरीर सब गिरा है वहाँ वहाँ शक्तिपीठ ही सुशोभित है। जोलाजी है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में माता की जीव गिरा। त्रिपुरामणि में पंजाब में जलंधर में देवी तालाब, जहाँ माता की बाएं की बख्य गिरा था। बैद्यनाथ झारखंड के देवघर के स्थित बैद्यनाथ धाम करके जहाँ सुशोभित है वहाँ माता का हृदय गिरा। महामाया नेपाल में गुजरेश्वरी मंदिर है, जहाँ माता की दोनों घुटना गिरा था, दोनों घुटना गिरा। दक्षिणामयी तिब्बत के स्थित कैलाश मानसरोवर के मानस के पास पाषाण शिला पर माता का दाएं हाथ गिरा था, ये हाथ गिरा। बिरजा उड़ीसा की बिरजा में उत्कल में शक्तिपीठ स्थित है, वहाँ माता की नाभि गिरा था, ये नाभि गिरा था। गंडकी नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर, जहाँ माता का मस्तिष्क या गंडस्थल अर्थात कनपटी गिरा। बहुला पश्चिम बंगाल के अजय नदी के तट पर स्थित बहुला स्थान पर माता की बाएं हाथ गिरा। ऐसे माता का
अभी हम बात कर रहे हैं कहां कहां शरीर के अंग प्रत्यक्ष गिरा था। उज्जैन पश्चिम बंगाल की उज्जैन नामक स्थान पर माता की दाहिनी कलाई गिरी। त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा का राधिकेश्वर गांव में माता बाड़ी पर्वत शिखर पर माता का दाएं पैर गिरा। भवानी बांग्लादेश चंद्रनाथ पर्वत पर छत्राल चट्टाल या चहल में माता की दाएं भुजा गिरी। भ्रामरी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की त्रिस्तोत्र स्थान पर माता की बाएं पैर गिरा था, बाएं वाला डायनोवर गिरा था ये बाएं पर का। कामाख्या असम की कामगिरी की स्थित नीलचल पर्वत की कामाख्या स्थान पर माता की जोनी भाग गिरा था। प्रयाग उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद प्रयाग संगम तट पर माता की हाथ की इंगुली गिरी थी। जयंती बांग्लादेश की खासी पर्वत पर जयंती मंदिर जहां माता की बाएं जंधा गिरी थी। पश्चिम बंगाल की जुगदया स्थान पर माता की दाएं पर का अंगूठा गिरा। ऐसे देखिए माता का जहां जहां सब शरीर की भाग गिर पड़ा था वहां वहां शक्तिपीठ सुशोभित है। हम पूजा करते हैं। कोलकाता की कालीघाट में माता की बाएं पैर की अंगूठा गिरा। किरट्टी पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिला के किरटकोण ग्राम के पास माता का मुकुट गिरा था। विशालक्ष्मी यूपी के काशी में मणिकर्णा घाट पर माता का कान का मणि जड़ित कुंडल गिरे। कन्याश्रम में माता का पृष्ठ भाग गिरा था। सावित्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में माता की एड़ी गिरी थी। गायत्री अजमेर के निकट पुष्कर में मणिबंद स्थान का गायत्री पर्वत पर दो मणिबंद गिरे थे। श्रीशोल्ला बांग्लादेश की सोल्ल नामक स्थान पर माता का गाला गिरा था। देवगर्भा पश्चिम बंगाल की कोपई नदी पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। माता का जहां जहां सब शरीर की खंड विखंड होके गिरा था वहां वहां शक्तिपीठ बन गया। कमला माधव मध्य प्रदेश की सोन नदी के तट के पास माता का बाएं तीनम तक गिरा था जहां एक गुंफा है। सोनादेश मध्य प्रदेश की सोनादेश में स्थान पर माता का दाएं नितंब गिरा था। शिवानी यूपी के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर माता का दाएं बक्ष गिरा था। वृंदावन मथुरा के निकट वृंदावनी के भूतेश्वर स्थान पर माता की गुच्छ और चूड़ामणि गिरे थे। नारायणी कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सुचित्रतम शिव मंदिर है जहां पर माता के दंत गिरे थे। बाराही पंचसागर में माता के निचले दंत गिरे थे। अपर्णा बांग्लादेश की भवानीपुर गांव के पास करोतया तट स्थान पर माता की पायल गिरा था। श्री सुंदरी लद्दाख के पर्वत पर माता की दाएं पर की पायल गिरा था। कप्पा पश्चिम बंगाल की पूर्व मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विवाह स्थान पर माता की बाएं एड़ी गिरी थी। चंद्रभागा गुजरात के जूनागढ़ प्रभास क्षेत्र में माता का उदर गिरा था। अवंती जो मंदिर है उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर माता की अस्त गिरी थी। भामरी महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी की नदी घाट स्थित जन्म स्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। सर्वोत्सल स्थान आंध्र प्रदेश की कोटिलंगेश्वर मंदिर के पास माता की बाव गण गिरे थे। गोदावरी तीर
वहां माता की दक्षिण गंड गिरे थे। कुमारी बंगाल की हुगली जिले के रत्नाकर नदी के तट पर माता का दाएं संकट गिरा था। उमा महादेवी भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता का बाएं स्कंद गिरा था। आइए कालिका जो है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नालाहाट स्टेशन के निकट नालाहाटी में माता का पैर की हड्डी गिरी थी। जय दुर्गा शक्तिपीठ जो है वो कर्नाट में माता की दोनों कान गिरा था। महिषा मर्दिनी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में पाहोर नदी के तट पर माता का भ्रमध्य मतलब मन गिरा था। यशस्वरी बांग्लादेश की खुलाना जिला में माता का हाथ और पैर गिरे थे। फुलरा पश्चिम बंगाल के भालपुर स्टेशन में से 2 किलोमीटर दूर हटा स्थान पर माता की ओष्ठ गिरे थे। 50वां जो शक्तिपीठ है नंदिनी करके कहला जाता है पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला का नंदीपुर स्थित बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। इंद्राक्षी श्रीलंका का संभवत त्रिकोणामाली में माता की पायल गिरी थी। ये 51 शक्तिपीठिया जो है ये माता का कहीं पैर तो कहीं हाथ कहीं जीभ कहीं कान कहीं नाक कहीं आंख कहीं नाभि कहीं कंठ कहीं गला कहीं आभूषण कहीं गला ये कहीं पायल ये जहाँ जहाँ माता जी की सती माता जी की जहाँ सब प्रभु की जो प्रेम की जो गाथा सती जी को जब लेके जा रहे थे वो जैसे खंड विखंड होके सुदर्शन चक्र से उनको होश नहीं था जिस प्रकार जहाँ जहाँ गिर रहा था वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बना और हमारा श्रद्धा हमारा संस्कार हमारा संस्कृति हमारा धर्म स्थल बना और वो हर कोई इंसान को वो शक्तिपीठ में जाने से एक आनंद तृप्ति होता है और हमको मोक्ष प्रदान होता है और माता का आशीर्वाद मिलता है। नमस्कार।